क्वेश्चन नंबर थ्री, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, ये रेडियस 3 है। एंड टेक टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। कहता है एक डायमीटर जो है उसको एक्सटेंड करना है, ये जो एक डायमीटर मतलब और डायमीटर नहीं लेने, एक ही डायमीटर को एक्सटेंड करना है। एंड दे शुड बी एक्सटेंडेड 7 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर, ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। टेक टू पॉइंट्स पी एंड क्यू एज वन ऑफ द एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे पी लेना है जिसका डिस्टेंस सेंटर से 7 है, यहाँ क्यू लेना है जिसका डिस्टेंस सेंटर से 7 है। ये 3 था, 4 और ले लिया, टोटल 7, इधर से भी 7, तो टोटल लाइन सेगमेंट होगी 14 की। टोटल लाइन सेगमेंट कितने की होगी? 14 की। ठीक है, नाउ अब आपने क्या करना है, पी से टेंजेंट बनानी है, क्यू से टेंजेंट बनानी है। तो आप क्या करोगे, इस पी ओ का बनाओगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओ क्यू का बनाओगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पॉइंट से एक सर्कल बनाओगे इतना रेडियस लेके, इस पॉइंट एम को सेंटर लेके, एम एम पी रेडियस लेके सर्कल बनाओगे इस तरह से। अब आपके पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, यहां से टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, यहां से टेंजेंट। इज इट ओके? रीड इट आउट वंस अगेन, देन आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस लिसन बेटा, इन क्वेश्चन नंबर 6, दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट। इन द होल एक्सरसाइज वी डिड क्वेश्चन इन विच यू हैव टू ड्रॉ सर्कल फर्स्ट, बट इन क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल फर्स्ट, देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर ऑन द हाइपोटेन्यूज, देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स। सो वॉट यू विल डू, यू विल स्टार्ट विद द राइट एंगल ट्राइंगल। लेट्स सी, पहले एक मिनट सुन लो रफ फिगर। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरह से, ये ए ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो बी सी है ना उसको आपने डायमीटर लेके चलना है। अब डायमीटर आप ऐसे भी ले सकते हो या आप ऐसे भी डायमीटर ले सकते हो, ठीक है, ये बी सी, और ऐसे भी डायमीटर ले सकते हो सर्कल मतलब। ठीक है, तो अब आप पे डिपेंड करते हैं आपने कैसे लेना है। मेरे अकॉर्डिंग आपको ऐसे लेना चाहिए, वो थोड़ा इजी है। ठीक है, तो मैं ऐसे करवा रही हूँ, वो दोनों तरीके से सकते हैं आप, घर पे ऐसे ट्राई कर लेना, मैं एक बार ऐसे करवा दूंगा आपको। सेम है, लेना बीसी कोई डायमीटर है, मैंने वर्टिकल ली है या हॉरिजॉन्टल है, नो डिफरेंस, फिगर विल बी सेम, सॉल्यूशन विल बी सेम। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल स्टार्ट विद द बेस बीसी, दैट इज 8 सेंटीमीटर। BC is the base, that is 8 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ 8 सेंटीमीटर का ये डायमीटर ले लोगे BC। ठीक है, आपने BC एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, दैट इज द बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आप 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करोगे। 90 डिग्री आपको पता है कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, यू विल पुट सेमी सर्कल ऑफ एनी रेडियस to make your right triangle, then you will put the arc, you will make half of this to get your 90, you will draw a baseline that passes through this 90 degree angle like this, ye aa gaya aapka. Now this is your 6 cm, so what you will do, you will put the arc of 6 cm, this is 8, so obviously 6 will be less,
So you will join this. This will be your right angle triangle. This will be your right angle triangle. So complete this right angle triangle first. This is 6 centimeter. This is 8 centimeter. And this is 6. This is your right angle. So this will be your right angle triangle that we have to construct. Now look here, what you have to do is you have to construct one perpendicular from B, and the name of the perpendicular is BD. That should lie on the line AC. आपने ऐसे एक perpendicular बनाना है, इसका name D आएगा यहाँ पे. अब आपको ये पता है कि perpendicular बना रहे हैं means that makes 90 degree. और आपको ये भी पता है angle in a semicircle is a right angle. तो अगर हम यहाँ पे एक semicircle means circle बना दें, तो जहां पे वो पॉइंट टच करेगा दैट विल गिव यू 90. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट मेकिंग परपेंडिकुलर डायरेक्टली ऑन दिस लाइन, वी विल मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन. वी विल मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन. सो मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन. हाउ यू विल मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, विल मेक इट लाइक दिस. ऐसे बनेगा, इस तरह से आ जाएगा. ये आपके पास जो पॉइंट आ गया, यहां से आपको एक सेंटर मिल गया O. करो ड्रॉ, मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट BC. आपको ये O पे मीट करेगा, ये O जो है दैट इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल. Now what you will do, you will take O as center and take OB, OC as radius, because you have made the half of this line segment. Na? So here and here what will be equal? Okay? Now what you will do, you will take O as center, OB as radius, you will draw a circle that passes through, this diameter will become a diameter. So you have to make a circle which will pass like this. Is it okay? So you will draw a circle by taking O as center, OB as radius. Circle aa jayega. Ab dekho, ye semi circle hai. Agar main isko join kar dun, to ye D aa jayega, because ye 90 hoga. Angle in a semi circle is a right angle. So BD kya ban gaya? That will be your perpendicular on AC. Aapne direct perpendicular nahi banaya. हमने सर्कल बनाया है और थ्योरम यूज किया है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. ठीक है, वहां से आपके पास ये परपेंडिकुलर आ गया. बीडी जो है वो एसी के ऊपर परपेंडिकुलर हमने डायरेक्ट नहीं बनाया, अपने आप बन गया बाय मेकिंग सर्कल. ठीक है, कंप्लीट करो इतना. क्लियर है? अब देखो आपने बेटा क्या करना है, आपने फर्स्ट था राइट ट्रायंगल, यू हैव डन, परपेंडिकुलर था डन. अब थर्ड है, यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑन दिस गिवन सर्कल. आपने टेंजेंट बनानी. आपने एक चीज नोट करी है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है. टेंजेंट है ना, ये देखो परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक टेंजेंट आपके पास आ गई. अब आपने एक टेंजेंट और बनानी है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए
ऑन दिस सर्कल। अब टेंजेंट कैसे बनाते हैं, हमने कल जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने उसमें क्या किया कि जो एक्सटर्नल पॉइंट था उसको सेंटर के साथ क्या करते थे, जब भी टेंजेंट बनाते हैं क्या करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट को रेडियस के साथ क्या करते हैं, ज्वाइन। तो आप इस लाइन को कर लोगे ज्वाइन, ठीक है, ये आपने ज्वाइन कर ली, ओ ए को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन इट, डन। हर क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया है, एक्सटर्नल पॉइंट को रेडियस के साथ ज्वाइन किया है। फिर हम क्या करते हैं, इसका बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किया था जितने भी क्वेश्चन है सब में सेम मेथड फॉलो किया, इसका बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन से पास करेगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ द न्यू सर्कल, ठीक है। तो आप इसका बनाओगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाय टेकिंग रेडियस ऑफ हाफ ऑफ ओ ए एंड और मोर देन हाफ ऑफ ओ ए, ठीक है। मैं छोटा सा बना रही हूँ, आप बना लो अपना जैसे भी आपका बनता है, मैं तो बिना कैलकुलेशन के बना रही हूँ तो मेरा तो ऐसे ही बनेगा। ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ये जो पॉइंट आपके पास आया ये क्या आया है, आपके पास न्यू सर्कल का रेडियस आया, सेंटर आया, सेंटर। ठीक है, अब ये जो सेंटर आया है इसको कोई नेम दे दो, ई दे दो, ई नेम दे दो। नाउ टेकिंग, आप हमेशा ना वैसे एम देते हो तो एम दे दो, ज्यादा बेटर है एम। टेकिंग एम एज सेंटर, एम ए एज रेडियस, वी हैव टू ड्रॉ अ न्यू सर्कल। सर्कल की जगह आप सेमी सर्कल भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, जैसे मर्जी। तो एक्चुअली बहुत ज्यादा कंजस्टेड फिगर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सेमी सर्कल बनाओ। तो यहां से आपने क्या बनाना है, एक सेमी सर्कल जो इसको ऐसे मीट करेगा। टेकिंग एम एज सेंटर एंड रेडियस एम ए, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल बना दिया जो इंटरसेक्ट कर रहा है प्रीवियस सर्कल को इस पॉइंट में, इसको ले लो टी। अब आपको पता है ए बी जो है वो टेंजेंट है और टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होती है, इक्वल होती है। अगर आप इसकी लेंथ मेजर कर लो स्केल से, आप इसकी लेंथ मेजर कर लो स्केल से, कंपास से, मतलब यहां से लेके यहां तक इसे मेजर कर लो कितना है, जितना ये मेजर करके आ रहा है ये देखो, ठीक है। आप इसे यहां ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को टी के साथ ज्वाइन कर दो, ये बन गई आपकी एक और टेंजेंट, ठीक है। बहुत ज्यादा कंजस्टेड फिगर बन रही है, ठीक है, लेकिन ऐसी ही बननी है अभी फिगर। अब आपके पास दो टेंजेंट आ गई, ए बी और ए टी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब हमने करनी है, ये कंप्लीट हो गया, सर्कल बनाना था। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, एक सर्कल बनाओ जो बी से, डी से और सी से, तीनों पॉइंट से पास करता है, देखो पास कर ले। और बी डी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए सी पे, वो भी आ रहा है आपके पास। तीसरी चीज आपको कह रहा था दो टेंजेंट बनाओ, वो भी हो गई, ए बी और ए टी। और आपको ये भी पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो आपने वही लेंथ फाइंड करनी है, इसकी जस्टिफिकेशन है। अब देखो हम करने क्या लगे, एक्चुअली इस क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड है, आप जितनी एक्स्ट्रा बुक्स देखोगे उतने डिफरेंट सॉल्यूशन भी होंगे। तो मैंने जो सबसे इजी है ना वो करवाया आपको, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं उनमें दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए हैं सेंटर फाइंड करने के लिए, हमने एक बनाया, ठीक है। उन्होंने दो टेंजेंट अलग बनाई है, हमने एक इसी को लिया है, एक टेंजेंट और बनाई है, ठीक है। तो थोड़ा इजी, एक दो स्टेप रिड्यूस ही करें, एक्स्ट्रा नहीं करें, उनसे भी लेस स्टेप में कर दिया हमने क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपने करना क्या है इस क्वेश्चन में, अब आपने जो जस्टिफाई है उसमें क्या करना है, एक दिन पहले सुन लो उसके बाद आप लिखना। आपको ये पता चल रहा है कि ये जो दो टेंजेंट है ए बी और ए टी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, मतलब हमने लगानी है इन ट्रायंगल ए ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम। फिर हमने क्या करना है, एक ये टेंजेंट बन रही है ए टी, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये भी टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए ओ टी, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे, आपके पास जो आपकी ए टी या ए बी है उसकी लेंथ आ जाएगी,
ठीक है, ये हमने करना है इसकी जस्टिफिकेशन में। अब देख लो सब कुछ आपके पास गिवन है, ये रेडियस है इस सर्कल का, इसका इसका डायमीटर कितना था, इसका डायमीटर कितना था 8, तो रेडियस कितना हो गया 4, ठीक है। ये आप पहले लिख लोगे, ओ टी ओ सी ओ बी सब सेम है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो आपके पास रेडियस आ गया। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या होगा, पहले आपने ज्वाइन किया है, सबसे पहले ज्वाइन ओ टी ये आपने खुद किया है, ये भी लिखना पड़ेगा आपको कंस्ट्रक्शन जो जस्टिफिकेशन है उसमें। इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में एओ स्क्वेयर हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर, ठीक है, ये है आपके पास। ओबी कितना है 4, ओ ए ओ ए ओ ए की लेंथ पता है आपको, ओ ए की लेंथ पता है आपको, ओ ए की लेंथ पता है आपको, अब आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ओ ए ओ टी AO स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वेयर प्लस ए टी स्क्वेयर, ए बी और ए टी सेम है तो आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, ए टी की वैल्यू इसमें से निकाल लो, ए बी की वैल्यू इसमें से निकाल लो, दोनों को इक्वल कर लो, ठीक है, एक तो ये कर सकते हो आप। ये भी AO स्क्वेयर है, ये भी AO स्क्वेयर, आप दोनों को इक्वल कर लो, OT स्क्वेयर प्लस AT स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस OB स्क्वेयर, ठीक है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है क्योंकि इनकी लेंथ सेम होती है। वैल्यूज बताओ कौन कौन सी पुट करेंगे, हाँ जी कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, बता सकते हो, ए बी जो है दैट इज 6, यहां 6 आ जाएगा, ओ बी कितना है दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल दैट इज 4, ये कितना आ गया 36 प्लस 16, एओ स्क्वेयर इज इक्वल टू 52, ये आपके पास आ गया, एओ स्क्वेयर की वैल्यू 52 है, यहां पुट कर दो, ओ टी स्क्वेयर, ओ टी इज द रेडियस That is radius of the bigger circle, that is 4 square, AT square. AT you have to find, 52 minus 16 is equal to AT square, that is 36. तो आपके पास यहाँ AT आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। हमने इस वाले ट्राइंगल में से जो बेस वाला ट्राइंगल था इसमें से AO की वैल्यू निकाली, AO square की, and you will put AO square in this. AO स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, OT इज द रेडियस की वैल्यू लिख दी, सॉल्व इट, AT यू विल गेट एज 6 सेंटीमीटर, एंड वी नो दैट AT एंड AB आर द टेंजेंट दैट विल हैव इक्वल लेंथ दैट इज 6 सेंटीमीटर। वैसे तो आपको पता ही था AB अगर 6 है तो AT भी 6 आएगा, बट यू हैव टू शो बाय, आप ये लिख सकते हो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल तो इट शुड बी 6, तो ये उसकी जस्टिफिकेशन होगी कि यहां से भी 6 आ रहा है, क्लियर है। आप लास्ट में लिखोगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल हेंस प्रूव्ड, ठीक है, एक आपने कैलकुलेशन से शो कर दिया और एक आपने यहां से शो कर दिया, ठीक है, कंप्लीटेड हरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कुलर with the help of the bangle or with the help of any circular object
construct the pair of tangent, you have to take a point outside the circle. No distance is given, even the radius is not given for the circle. You have to construct the pair of tangent from the external point. You have to take any external point from your own side. What you will do, you will make a circle with any circular object. First of all, we have done this similar type of question in class 9 in the circle chapter. Whenever you have to find the center of the circle, what you will do, you will take two chords on this circle. You can take them adjacent or you can take them far away as per your choice. So you will take two chords, you will make perpendicular bisector of these two chords to get the center of the circle. So this is the center of the circle O. You will take two chords anywhere in the circle and you will make perpendicular bisector of these two chords. That will, the point of intersection of the chords will give you the center. Now we have got the center of the circle. Now you will take one external point at some distance from this point O outside the circle. You will have to draw the two tangents from the point P on this given circle. What you will do, you will make perpendicular bisector, which is these similar type of question 1 to 5 we have done deeply in the class. So that's why I'm making the rough figure for the 7th question. You will make perpendicular bisector of this line that will give you the center of the new circle as M. Whenever you have to make the tangents, you have to find the center of the new circle. So that's why I have made the perpendicular bisector of this line segment. So this M is the center, this is the radius. You will make a circle that passes through M and O. And this point of intersection will, when you join this point P to this, these two points, that will give you PQ and PR as your two tangents, which are equal in length. So please draw this, then we will do justification of this question. Do it, hurry up. Now, beta, how you will do the justification of this question? We need to show that the length of these two tangents are equal. So what we will do here is we will join this OQ, that is the radius of the circle. We will join this OP because tangent and radius are always perpendicular. So in the justification, you will join OQ and OP. Okay? Now look here, we will consider these two triangles. In triangle OPOQ and triangle POR, OQ is equal to OP, that is radii. Angle P is equal to angle. Angle P is equal to angle Q. Radius and tangent are perpendicular. And one more thing, OP is equal to OP common. So these two triangles are congruent. By which property? By RHS. These two triangles are congruent. So can we say that
can we say that PQ is equal to PR by CPCT? So hence tangent from the external point are equal in length, and we have proved that. Got it? Actually, no measurement was given, na? So we are not able to solve it by doing proper Pythagoras theorem. We can't apply that. Diksha, can you on your video for a while?